रजवी जो कि पीएनबी पर राय चाह रहे हैं मुझे इनकी बाइंग प्राइस नहीं पता है राजेश फिलहाल अगर किसी को इनिशिएट करना हो तो क्या रिकमेंडेशन होगी देखिए पीएनबी अपने सपोर्ट पे ये वीकली 89 नाइन ई का सपोर्ट है इसका अराउंड 96 95 का तो आ, उस सपोर्ट के लेते हुए एक बाउंस बैक आ सकता है

और मैं आपके माध्यम से आप सभी को सभी दर्शकों को आगामी त्योहारों की दीपावली की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ आपको भी आ, आपको भी सर पूछिए जी मैडम मैंने आईडीबीआई के शेयर लिए थे दस हजार और ये एटी नाइन के भाव से हैं तो अब इसमें क्या करना चाहिए और एक शेयर इसके हैं एस कार्ड के एक हजार शेयर बहुत ज्यादा घाटे में है आप आई में जी और जी कितना जी समय देना होगा जी बताएं आप बताएं मैडम समय दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है चलिए राजेश बहुत गहरा घाटा आईडीबीआई बैंक में देखिए आईडीबीआई बैंक अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है 78, 77 ये एक सपोर्ट जोन है इनफैक्ट लास्ट वीक इस स्टॉक में एक बुलिश हैमर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है वीकली चार्ट में uh, यहाँ पे स्टॉक प्राइजेस में ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है एटी टू एटी थ्री रेजिस्टेंस है वो क्रॉस करते ही एटी सेवन एटी एट के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो फिलहाल सपोर्ट पे है रिवर्सल साइंस दिख रहा है पैंग स्पेस भी स्ट्रांग है तो होल्ड रख सकते हैं बाउंस uh, पे उनके कॉस्ट के आसपास आता तो वहाँ पे एग्जिट कीजिए क्योंकि इतना काउंटर नहीं है एक पुल बैक है, एक बैक है। तो बाउंस बैक पे एग्जिट कीजिए ठीक है तो बाउंस बैक पर एग्जिट करने की आपको सलाह मिलती हुई पवन ने यूट्यूब पर अपना सवाल हम तक पहुंचाया है इंडसइंड बैंक पर राय जाना चाहते हैं 200 शेयर हैं इनके पास और चौदह सौ पचहत्तर वन फोर सेवन फाइव जी हाँ इस तरह पर बाइंग इन्होंने की हुई है अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर झेलते हुए हालांकि आज जो है स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ा है सवा दो परसेंट की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है लेकिन फिर भी इनके उनके भाव से काफ़ी दूर बयासी हजार का यहाँ पर नुकसान इनको होता हुआ तेजस इंडस बैंक बयासी का नुकसान चौदह की बाइंग है इनकी बताइए क्या राय होगी देखिये ये स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी वीक है खाली एक ही पॉजिटिव है स्टॉक में स्टॉक काफी ओवरसोल्ड है तो एक रिलीफ रैली आ सकती है स्टॉक में मुझे लग रहा है अगर यहाँ से कोई रिलीफ रैली आती है और अगर स्टॉक में अगर बारह सौ से बारह साढ़े बारह सौ का भाव आता है तो वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए ये स्टॉक बेच के मुझे लग रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश कर सकते हैं उसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और स्टॉक ने सात के करीबन एक अच्छा खासा बॉटम भी बना लिया है तो स्विच करने की सलाह रहेगी एक पुल बैक रैली अगर आती है स्टॉक में तो निकल जाना चाहिए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश करना चाहिए कोई पुल बैक आए तो निकलने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई और इसकी बजाय आप एस में निवेश करें तो बेहतर है